एक रिक्वेस्ट है, वंदना है कि आप जात पात पर न जा करके विकास के नाम पर वोट दीजिए और विकास को जिताइए। धन्यवाद। मतलब आप लोग ईमानदारी से वोट दीजिए, बेईमान और भ्रष्ट लोगों को मत पैसा के लालच में चुनिए। जैसे दारू और पैसा लेकर लोग बेईमानों को चुन देते हैं और वो उसके बाद उससे ज्यादा आपसे वसूल करता है। उर्मा पंचायत के मुखिया पद से किन किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में उतरे हुए हैं? जैसे कि गांव में नाला नहीं बना है और सड़कें टूटी हुई है और लोगों के शौचालय भी नहीं बना है। नल जल योजना है, वो भी भ्रष्टाचार के कारण मतलब सही से चल नहीं रहा है। और इंदिरा आवास में भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वर्तमान के मुखिया के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? हम उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हमारे साथ बहुत लोग हैं जिनके राय से मैं प्रत्याशी बना हूं और मैं जानता हूं कि मतलब वो हमारे साथ रहेंगे तो मैं ये चुनाव जीत कर मुखिया बनकर उनका सेवा करूंगा। अच्छा, आपके गांव से बहुत सारे कैंडिडेट हैं आपके पंचायत से, लोग आप ही को क्यों चुने, क्या खासियत है आपको? जैसे लोग सबको देख चुके हैं, चार टर्न में चार मुखिया बदले हुए हैं, लेकिन लोगों का समस्याएं जो है वही का वही रह गया है। जो जीत जाते हैं वो 10 कट्ठा जमीन किनकर आलिशान महल बना कर रह रहे हैं, स्कॉर्पियो से एसी वाला कार में घूम रहे हैं और हम देखिए साइकिल से नॉमिनेशन कराने आए हैं। तो उम्मीद है इस बार जनता आपको साथ देगी। जी, और ये बता दीजिए अगर आप जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके पंचायत में? जैसे बिंदुसार गांव में नाला नहीं बना है वो बनवाएंगे और रोड वोड भी नहीं बना है वो भी बनवाएंगे। और पहला बात है कि राशन की राशन में भ्रष्टाचार है, इसे खत्म करेंगे। अंत में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें मतलब आप लोग ईमानदारी से वोट दीजिए, बेईमान और भ्रष्ट लोगों को मत पैसा के लालच में चुनिए। जैसे दारू और पैसा लेकर लोग बेईमानों को चुन देते हैं और वो उसके बाद उससे ज़्यादा आपसे वसूल करता है। चलिए परिचय दे दीजिए। सुशील कुमार उर्मा उत्तर टोला सिवान बिहार प्रत्याशी प्रतिनिधि। प्रत्याशी बुला लीजिए। तो किस क्षेत्र से लड़ रही हैं? और जी मेरी भाभी हैं पूनम देवी, सिवान सदर प्रखंड के 67 पंचायत के मुखिया पद से चुनाव लड़ रही हैं और मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतरे हुए हैं? बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो अभी तक पिछले कई वर्षों से समस्या के रूप में बनी हुई है, जैसे 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल का है, शौचालय है, इंदिरा आवास है, नली गली है, बहुत सारी मुद्दा है, स्वास्थ्य विभाग है, बेरोजगार युवा हैं और मजदूर जो हैं उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, लेबर कार्ड नहीं बन पाया है, किसी का जॉब कार्ड नहीं बन पाया है, बहुत तरीके के समस्याएं हैं जिनको मैं जनता के बीच रख रहा हूं और काफ़ी अच्छा मुझे समर्थन भी मिल रहा है। बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर कीजिएगा अगर आप बन जाते हैं? देखिए, बेरोजगारी को समस्या को दूर करने के लिए अभी हाल फिलहाल एक ताज़ा अपडेट आया है पंचायती राज विभाग सम्राट चौधरी जी की तरफ से कि पंचायत हरेक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनेगा और उसमें सहायक कार्यपालक की नियुक्ति होगी, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि अपने 67 पंचायत के काफ़ी युवाओं को उसमें मौका देने का काम करूंगा। वर्तमान मुखिया जो है उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान जो मुखिया है उनके कार्यों से मैं ही नहीं, पूरी जनता जो है नाखुश है। अगर आप मुखिया बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा आपके पंचायत में? सबसे पहला मेरा काम महिलाओं के हित में होगा। 16 लाख रुपया बचा है 15वां वित्त आयोग के खाता में अभी तक, तो सबसे पहला मेरा काम होगा हर एक वार्ड में कम से कम एक एक सार्वजनिक शौचालय बनवाए। चलिए, अंत में आप अपने पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अंत में मैं अपने पंचायत के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वंदना है कि आप जात पात पर न जा करके विकास के नाम पर वोट दीजिए और विकास को जिताइए। धन्यवाद। आप अपनी पत्नी और अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है और ये मेरी भाभी हैं पूनम देवी। धन्यवाद।